हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी दांत के दर्द से छुटकारा पाने के कुछ आसान से घरेलू उपाय। पहला उपाय है गार्लिक यानी लहसुन। दोस्तों, लहसुन एक नेचुरल पेन किलर है और इसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और दांत के दर्द के लिए ये कमाल की रेमेडी है। आप 2 से 3 लहसुन की कलियां क्रश कर लीजिए और क्रश्ड लहसुन के पेस्ट में थोड़ा सा काला नमक मिलाकर दांत पर लगाइए। अगर आप चाहें तो गार्लिक को चबाकर भी खा सकते हैं, दर्द थोड़ी ही देर में उड़नछू हो जाएगा। अगला उपाय है नमक और काली मिर्च का मिश्रण। दोस्तों, नमक और काली मिर्च ये दोनों ही चीज़ें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एनाल्जेसिक होती हैं। आप नमक और काली मिर्च को समान मात्रा में ले लीजिए और इस मिश्रण में थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को दांत पर लगाइए, कुछ मिनट के लिए लगा रहने दीजिए, फिर ल्यूकवॉर्म पानी से कुल्ला कर लीजिए, दर्द दूर हो जाएगा। लौंग का तेल भी दांत का दर्द दूर करने के लिए एक एक्सीलेंट रेमेडी है। आप दर्द करते हुए दांत पर लौंग का तेल लगाइए, और अगर आपके पास तेल नहीं है तो आप दांत के बीच में 2 या 3 लौंग रख लीजिए, काफी फायदा मिलेगा। दांत में दर्द होने पर कच्चे प्याज चबाकर खाने से भी दांत का दर्द शांत हो जाता है। दोस्तों, अमरूद की पत्तियों में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अमरूद की पत्तियां, आप 3 से 4 अमरूद की पत्तियां चबाकर खा लीजिए, इससे दांत के दर्द में इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अगर आप चाहें तो अमरूद की पत्तियों को पानी में उबालकर गरारे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी इज व्हीट ग्रास जूस। व्हीट ग्रास यानी गेहूं की घास। इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो किसी भी ओरल प्रॉब्लम को ट्रीट करने में उपयोगी हैं। व्हीट ग्रास बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और इन्फेक्शन को दूर करती है। आप सिंपली गेहूं की घास को चबाकर खा सकते हैं, या फिर इसका जूस निकाल कर आप उसे माउथ वॉश की तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे दांत का दर्द दूर करने के कुछ आसान से घरेलू उपाय और नुस्खे। आप इनमें से 1 या 2 होम रेमेडीज अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं और यूज कर सकते हैं। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, थम्सअप का बटन जरूर दबाइए और इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सके, और मेरे वीडियो को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर लीजिए ताकि आप इसे दोबारा भी देख सकें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं आपके पास फिर आऊंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।